गांव के लोग आ रखे हैं, आप लोग देखिए कितनी लाइनें बन रखी हैं। गांव के लोग सिर्फ यही देखने के लिए आ रखे हैं कि गाड़ियां कैसे निकल रही हैं इस पानी में से। भाई बहुत डेंजरस काम है जनाब, लेकिन ये देखिए पानी से भरा हुआ रोड है। हेलो भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। ये वीडियो भाई बन रही है बुरुंडी बुजुम्बुरा से, और आज हमारा सफ़र शुरू होने वाला है भाई तंजानिया के बॉर्डर की तरफ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और बुजुम्बुरा यार एक बड़ा पीसफुल सा कैपिटल सिटी था बुरुंडी का, एंड हमें 3 दिन का यार ट्रांजिट वीज़ा मिला था बॉर्डर पे, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हम। एंड आज तंजानिया की तरफ एग्जिट करेंगे और उसके बाद केन्या से फिर मैं इंडिया की तरफ चली जाऊँगी। तो ये सीन बनने वाला है जनाब। ये भाई सुबह सुबह बुजुम्बुरा के नज़ारे हैं। पीसफुल कंट्री थी, सब बढ़िया था। और कल क्रिसमस थी जनाब, आज 26 दिसंबर है, तो सही। सीन ऐसा था कि हम लोगों ने ना रात का बॉर्डर का रूट लिया था इमिग्रेशन तक पहुंचने के लिए, और रात को हम 4 घंटा भाई गाड़ी में ही सो रखे थे बॉर्डर के पास ही। और ये गाड़ियां जनाब, तो कुछ लोग भाई केन्या और रवांडा से मिल गए थे, जो लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं बैक टू केन्या, तो उन लोगों ने हमें आधे रास्ते की लिफ्ट दे दी थी। एंड ये इमिग्रेशन ऑफिस है यार अंदर की तरफ, यहाँ पे बुरुंडी और तंजानिया का दोनों का एक साथ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई यार। कोई एक्स्ट्रा पैसे वैसे नहीं मांगे, आराम से एग्जिट और एंट्री स्टैम्प दोनों लग गए। तो स्वागत है यार तंजानिया में, मुझे नहीं पता 5वीं बार है 6वीं बार है, बहुत बार आ रही हूँ मैं, तो वेलकम टू तंजानिया। यहाँ से मवानजा सबसे पास में पड़ता है, तो मवानजा पहुँचते हैं और सब बढ़िया। मामा यार यहाँ पर मूंगफलियाँ बेच रही हैं, ये कड़क नहीं है मूंगफलियाँ, वैसे गीली हैं, बट मेरा मन कर रहा खाने का तो मैंने खरीदी भाई। तो सही, ओके जीना, नो जीना, नो जीना, करांगा, ओके। तो यार ये भाई करांगा है, सही असांते करांगा। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मॉनसून सीजन चल रहा है तंजानिया में, और रिवर भाई ओवरफ्लो रखी है, रोड इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। ये ट्रक वाले भाई दिलेर जनाब हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं भाई नदी को, सो रिस्की, सो रोड इज़ कम्प्लीटली ओवरफ्लोइंग विद द रिवर वाटर कम्प्लीटली। Man, this is not good. Look at that water. Will you drive? No, yeah, I can. No way. No. No way. Wow, it's too risky. You know this water can push you. Yeah, exactly. No, they're not to swim. These guys, they don't listen. No, they're not to swim. Because it's by no, you man.
No, they know you, to you, swim. They can pass. No, you don't need you are not supposed to lift your leg up. Bro, I'm telling you. You just do whatever they are doing. I'm telling you, no, you can't get dizzy. This water. This is like they are. No, you can't get dizzy. Hey. Guys. Just dizziness. It's crazy. It's literally blocked. Imagine right. And there is too much water going there. Too much water. Hey. Sana. Guys. Wow. भाई यहाँ पे गाड़ियों के रश लग गए हैं सच में, और हम लोगों की बैंड बज गई है, और पानी भाई कम ही नहीं हो रहा है। बारिश बंद हुई है फिलहाल, बट ये बस देखिए यार, हिम्मत करके जा रही है जनाब। Hey my friend, hey, let them pass. If this bus can go, we can go. Even that small, okay, go and drive. Yeah. Go and drive. Huh? That car also went, go and no? Drive, eh? Look. Go and drive. Eh? Look, I don't know to drive, otherwise I would have went. But we are going. We just we want going. Two other small we cars. We want like those small cars. Two other small see, cars. Let's see this no, bus. This is not a small it's a big car. One. There is, it's full of people. Other small cars, next one. This bus is also trying to go by. This one is the driver. Hey. भाई हम इस पानी से क्रॉस करने वाले हैं। तंजानिया में ऐसा स्वागत हुआ है भाई इस बार हमारा, तो this is the motivation we need. I hope we stay alive. Bluto, let him go a little far, eh? then go. Lakini uangalie miguu zake. Hey. Jamad. Let's go, Jared. Actually, that water have reduced. Yes. It was not like that. Welcome to Tanzania. Oh, you put the money inside. Yeah. Mwakasa, put the money inside. The lane is this one. you would have went that side. Go out. Oh, by the way, every time like, you fall into yes, water, yeah. Make sure the windows are down. Because when the windows are up, you can't open. Yeah. So make sure the windows are down, you are good. Yeah. I was thinking about the worst situation possible. Yes. Karibu Tanzania. Asante. Guys, we made it and let's go. भाई हम इतना खुश थे कि हमने एक ब्लॉक पार कर लिया है नदी का, जहाँ पे जाम लग रखा है, बट यहाँ पे दूसरा भाई उसका भी बाप है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। समाहन जी इधर भाई पूरे रोड पे आधे किलोमीटर से ज़्यादा रश लगा हुआ है जनाब, पानी का पूरी बाढ़ आ रखी है पूरी की पूरी, और एक ट्रक वहाँ पे पलटा भी पड़ा है वो। How many days? One day, two days stopping. Yeah, you must stay here. You must stay here two days. Hey, Jesus. My soul. Trahi हो रखी है। What is this? Camera. GoPro. Hoplo. Whatever the mini couple. This is a road that connects Rwanda Burundi. Rwanda Burundi Tanzania, and it's like 115 kilometers from the Burundi Tanzania border. And it's chaotic. It's wild. Huh? It's wild. Wait, let me get that water, man. Man, Jesus.
The river is literally overflowing. River is overflowing. We are stuck. And let me tell you, here is deep. We are stuck. Deep down, deep down. Yeah, it's so it means if the water level is like this, hey. Wow. You can imagine how much it is raining right now in Tanzania. Wow. The trucks are just going like nothing is happening. No, they are heavy. Oh, this one has stopped. He can go, he's just scared. They are heavy, he can go. Yeah. We have small cars, so we can go. भाई गांव के लोग आ रखे हैं, आप लोग देखिए कितनी लाइनें बन रखी हैं। गांव के लोग सिर्फ यही देखने के लिए आ रखे हैं कि गाड़ियां कैसे निकल रही हैं इस पानी में से। भाई बहुत डेंजरस काम है जनाब, लेकिन ये देखिए पानी से भरा हुआ रोड है। सामने ट्रक का एक्सीडेंट भी हो रखा है। या इट्स डेंजरस प्लूटो। वाओ तंजानिया ने भाई हमारा कुछ ऐसे स्वागत करा है, मतलब यस बाप रे। ये देखिए गांव के लोग देखने के लिए आ रखे हैं सिर्फ। फाइनली Five hours of waiting, the water finally goes down for us to pass. I think this is a blessing in disguise. पानी देखिए यार, बारिश का पूरा भरा पड़ा हुआ है। या दिस इज हाउ तंजानिया वेलकम्ड अस विद हेवी मॉनसून। गाइस वी सी यू गाइस ऑन योर वे। तो जनाब यार मवानसा पहुंच गए थे हम रात को, एंड ये रूम था होटल का जहां पे मैं रुकी हुई हूं। और केनेथ का भाई पहली बार है तंजानिया में, तो वो अभी अरुशा की तरफ चला गया घूमने के लिए। लेकिन मैं भाई मलेरिया से रिकवर हो रही हूं, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है ट्रैवलिंग की, तो मैं नहीं गई। तो मैं कुछ दिन मवानसा में रुकूंगी, फिर यहाँ से केन्या का बॉर्डर क्रॉस करूंगी और फिर इंडिया की तरफ जाऊंगी। तो ये सीन होने वाला है। एंड यार ये वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड आज होटल भी शिफ्ट करना है, क्योंकि ये वाला होटल थोड़ा एक्सपेंसिव है तंजानिया के हिसाब से। तो ये सीन है भाई, स्वागत है आप लोगों का मवानसा में। देखती हूँ कोई एक वीडियो अगर मवानसा की मैं बना दूँ तो वो अलग सीन है, बट बाकी सब बढ़िया। बैग वगैरह पैक करते हैं, चेकआउट का टाइम हो गया। तो स्वागत है यार आप लोग का तंजानिया में, एंड सब बढ़िया। एक्चुअली मुझे वेस्ट अफ्रीका की साइड जाना था, बट ये मलेरिया के चक्कर में सारे प्लान कैंसिल हो गए हैं। अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ घर जाने का मन है, और मेरा सिर बहुत दुखता है यार रोज़। तो एनीवेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलती हूँ।